Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. So hello and good morning everyone. तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 26 के बारे में। दोस्तों आज भी कुछ आपको स्क्रीन पे अजीब दिख रहा है ना कि भाई यार यहां पर तो आपने चलो ठीक है केएल राहुल की फोटो लगा दी, लेकिन यहां पर हमें कोई भी दिल्ली कैपिटल के प्लेयर की फोटो दिखी नहीं रही है, सिर्फ उसका आधा हाथ दिख रहा है। तो यार एक्चुअली ये प्रॉब्लम अपने साथ दो दिन पहले भी आई थी ना भाई, मैंने फोटो यहां पर लगा रखी है, पूरी फोटो लगा रखी है। मैं आपको अगर प्रूफ के साथ दिखाना चाहूं तो देखो, जैसे ही मैं स्क्रीन को एग्जिट करता हूं ना, वहां आपको दिखेगी डेविड वॉर्नर की फोटो, लेकिन जैसे ही मैं इस को पूरी स्क्रीन पे प्ले करता हूं ना, वैसे ही वो जो फोटो है वो थोड़ी सी इधर खिसक जाती है। पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज भी मैंने इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा अपना दिमाग खपाया, 15-20 मिनट खराब की, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ। और फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब ये कंप्यूटर है, वही बात अपनी बात तो मानेगा नहीं, इसके मन में आएगा जो करेगा, तो कर नहीं दो इसको, है ना। और वैसे भी अपने को फोटो से तो क्या ही मतलब है ना, अपने को मतलब है दोस्तों एनालिसिस से, और एनालिसिस इस मैच की एकदम टॉप क्लास में आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आ चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले तो यार दोस्तों आप सबको कल वाले मैच की कांग्रेचुलेशंस। कल वाले मैच में भी अपना काफी शानदार प्रॉफिट हुआ, काफी अच्छा गया कल वाला मैच भी, है ना। कल वाले दोस्तों जब मैच का मैं वीडियो लेके आया था उसमें मैंने यार आपको क्या बोला था, एक्चुअली यार जो भी बात बोली थी वो एकदम सही हुई है। चाहे से आप वो फाफ डू प्लेसी के चलने की प्रेडिक्शन मान लो, चाहे से आप वो सूर्य कुमार यादव के धमाका करने की प्रेडिक्शन मान लो, है ना, चाहे से आप वो ग्लेन मैक्सवेल के फ्लॉप होने की प्रेडिक्शन मान लो, चाहे से आप वो विराट कोहली के विकेट की प्रेडिक्शन मान लो, और विराट कोहली का विकेट कौन लेके जा सकता है, ये बात तो मैंने आपको कल वाले वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकंड के अंदर अंदर बोल दी थी कि भाई बुमराह जो है विराट कोहली को आउट कर सकता है, है ना। और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन भाई कल वाले वीडियो में की थी, बहुत अच्छी एनालिसिस की थी जो कि एकदम ऑन पॉइंट जाके लगी है। और यार देखो उसका फायदा भी हुआ है कल वाले मैच में, सबने जो है बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से कल वाले मैच के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब देखो यार कल वाला मैच गया, बात करते हैं आज की, तो देखो यार प्रॉफिट तो आज भी कमाना है कि नहीं है। और भाई प्रॉफिट कमाना है ना आज वाले मैच में, तो देखो यार आपको कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं करना, मेहनत मैं कर चुका हूं इस मैच की एनालिसिस में, कर चुका हूं इस मैच का वीडियो में ला चुका हूं, बस अब आपको थोड़ा सा टाइम निकालना और इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, ठीक है। ये जो एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले ना, इसको ध्यान से समझ लेना। मैं तो यही बोलूंगा अगर आपने यार ये एनालिसिस अच्छे से समझ लिया ना, फिर आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जो है इस मैच में काफी अच्छी टीम बना पाओगे और काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लगेगा लेकिन भाई मजे आ जाएंगे इस मैच में, अच्छा प्रॉफिट कमा जाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो यार आपको भी पता है कि आईपीएल चल रहा है और हर साल आईपीएल को हम अपने चैनल पर धूमधड़ाके से कवर करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं और हर साल प्रॉफिट कमाते हैं, इस साल भी कमा रहे हैं ना, और आगे भी कमाते रहेंगे यार, आईपीएल है, टी20 वर्ल्ड कप है। तो यार अगर आपको भी देखो हमारे साथ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है फैंटेसी क्रिकेट में ड्रीम इलेवन पे, तो देखो यार आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, जिस भी भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ दोस्तों उसके बगल में जो बेल आइकन आए वो भी दबा के ऑन कर लेना, उसकी वजह से सारी अपडेट और सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगे, और जब तक आपके पास हमारी अपडेट पहुंचती रहेगी तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी, है ना। 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग दोस्तों ये काम कर चुके हैं, आपको भी कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा लेकिन ये चैनल आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं देखो यार इस वीडियो के बारे में, तो भाई इस वीडियो में तो आपको इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत अच्छी एनालिसिस हम करने वाले हैं। फिर आगे इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमेशा तरह से एनालिसिस का यूज करके इस मैच की एक टीम बनाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों वही बात है यार, इस वीडियो में अपनी जो भी टीम बनेगी वो अपनी फाइनल टीम तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें चेंजेस और अपडेट हो सकते हैं, आपको भी पता है ना, अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है और टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, फाइनल प्लेइंग 11 आती है, जिसकी वजह से अपनी टीम में चेंजेस हो सकते हैं। तो यार अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा एंड ऑफ कोर्स जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह दोस्तों टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देखो यार हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, फिलहाल में दोस्तों 1,80,000 से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनमें से नहीं हो तो देखो यार आपका मोस्ट वेलकम है टेलीग्राम चैनल की, दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तो मेरे भाई आपको जुड़ ही जाना है, ठीक है, उस चीज में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, एकदम फ्री है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फाइनल टीम आपको वही मिलती है, फाइनल अपडेट आपको वही मिलती है, ठीक है। लाखों लोग वहां पर ऑलरेडी जुड़े हैं तो आपको भी जुड़ जाना है, लिंक मैंने आपको बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इस मैच के बारे में, तो ये वाला जो मैच है शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा, और ये वाला जो मैच है दोस्तों ये लखनऊ के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, यानी कि एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। अब यार एकाना स्टेडियम की क्या खास बात है, ये बात तो आपको बताइए, पहले भी मैंने बहुत बार बताई है, बाकी एक बार मैं आप लोगों को जल्दी से और एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो। पिच और वेदर की बात करते हैं दोस्तों, मौसम एकदम क्लियर रहने वाला है, बारिश वगैरह का तो कोई भी सीन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों सेकंड इनिंग में ड्यू यहां पर थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन ड्यू आएगी भी तो आई डोंट थिंक वो टॉस का डिसीजन चेंज करने वाली है, क्योंकि टॉस जीत के तो आई थिंक जो भी टीम है ना वो टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करना चाहिए, है ना। और दोस्तों अपने पास ध्यान रखना, ये अपडेट अपने पास आ चुकी है कि आज वाला जो मैच है ना वो ब्लैक सॉइल पिच पर खेला जाएगा, ठीक है। ये इसी अपडेट का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि आपको पता है एकाना स्टेडियम में दोनों टाइप के पिच है, रेड सॉइल पिच भी है, ब्लैक सॉइल पिच भी है। अब आज वाला मैच कौन से पिच पर खेला जाएगा, अगर ये अपने को पता नहीं होगा तो फिर अपन एक्यूरेट पिच रिपोर्ट डिस्कस नहीं कर सकते, मैं आपको अपनी जो है बेस्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, बेस्ट एनालिसिस नहीं दे सकता, है ना।
तो इस अपडेट का मैंने लास्ट तक वेट किया, उसकी वजह से वापस अपना वीडियो अपलोड करने में मेरे को लेट हो गया। लेकिन हाँ, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ ना। तो यार सबसे पहले तो यार वही काम करो, अगर आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो फाइनल अपडेट के साथ आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह से वीडियो लेट हो जाता है, वीडियो पे व्यूज कमाते हैं वो सब मेरे को चल जाता है, लेकिन आप लोग प्यार दिखाते हो ना तो वो उसकी भरपाई कर देता है ना। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देना, 5000 लाइक का लाइक टारगेट है, उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट कर दोगे। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार पिच के बारे में, तो एकाना स्टेडियम में दोनों रेड सोइल और ब्लैक सोइल दोनों टाइप के पिच हैं इस सीजन में दोस्तों। इस आईपीएल के सीजन में दोनों टाइप के मैच पिच पर मैच हो चुके हैं, रेड सोइल पिच पर मैच हो चुका है और ब्लैक सोइल पिच पर भी मैच हो चुका है, ठीक है। जो ब्लैक सोइल पिच होते हैं जिस पर आज वाला मैच खेला जाएगा वो जनरली स्लो होते हैं, थोड़ा सा टेंडेंसी उनकी स्लो होती है, वो स्पिनर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज रखते हैं और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ना वैसे वैसे वो पिच थोड़े और स्लो होते जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि जो पिच होते हैं एकाना स्टेडियम के वो जनरली स्लोअर साइड में होते हैं और ये बात हम लास्ट सीजन में चेक कर चुके हैं। पिछला जो सीजन था आईपीएल का वो भी काफी स्लो सर्फेसेज पे खेला गया था, ठीक है, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो पिच है वो और स्लो होते जाते हैं, ठीक है। आज वाला जो मैच है वो दोस्तों ब्लैक सोइल पिच पर खेला जाएगा, 99% चांस है क्योंकि एक ऑफिशियल के द्वारा अपने को अपडेट किया गया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक सोइल पिच ही रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 160 के समथिंग रहने वाला है आज वाले मैच का। ब्लैक सोइल पिच है, ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच आई डोंट थिंक होने वाला है। और उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीत के डेफिनेटली पहले बैटिंग ही करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो पिच है वो स्लो होने की टेंडेंसी रखता है। इस स्टेडियम में भी दोस्तों जिस टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग किया ना उसी ने ज्यादातर मैच जीते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वही बात है, टॉस जीतो पहले बैटिंग कर लो, आज वाले मैच में भी ड्यू आएगी, देखा जाएगा, कोई खास इंपैक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको भी पता है ये है एक जनरल पिच रिपोर्ट, ये है एक प्री मैच पिच रिपोर्ट है ना। इस मैच की दोस्तों जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो अपने पास टॉस के बाद ही आएगी और वो मैं आपके साथ हमेशा अगर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो उसकी चिंता मत करो। बस टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो एकाना स्टेडियम में आज तक टोटल 8 मैच खेले गए हैं T20 फॉर्मेट के, जिनमें से दोस्तों 6 मैच उस टीम ने विन किया है जिसने पहले बैटिंग की है। तो वही बात मैं आपको बोल रहा था ना, उन टीम्स ने ज्यादा बार मैच जीता है जिसने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है। उसके अलावा दोस्तों एवरेज स्कोर 160 के समथिंग ही रहता है, यहाँ पर ज्यादा रहता नहीं है ब्लैक सोइल पिचेज की वजह से। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों लखनऊ का ही है यहाँ पर 199 का, और लोवेस्ट स्कोर भी लखनऊ का ही है 108 का, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बस इतना ध्यान रखना ब्लैक सोइल पिच स्लो सर्फेस, स्पिनर को सपोर्ट थोड़ा सा है ना, और ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच अपने को मोस्ट प्रोबेबली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनल पिच रिपोर्ट का वेट करना है ना, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार के लिए अपना पूरा फोकस रखना, ठीक है। इस आईपीएल के सीजन में दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने खेले कितने 4 मैच। पहला मैच खेला था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जो कि वो हार गए थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जीत में वापसी की, पंजाब किंग्स को इन्होंने हराया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इन्होंने हराया, और इन्होंने हराया गुजरात टाइटंस को पहली बार, मतलब गुजरात टाइटंस ने पहले कभी भी नहीं हराया था गुजरात टाइटंस को इन्होंने, लेकिन पिछले मैच में हरा दिया। और अगर एक चीज आप यहां पर नोटिस करो तो काफी इजीली हराया था गुजरात टाइटंस को भी, 130 रन पे ऑल आउट कर दिया था, इनके होम ग्राउंड में ही मैच था, और काफी उस चीज का फर्क पड़ता है। लखनऊ सुपर जायंट्स स्ट्रॉन्ग है एकाना स्टेडियम में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की, तो इस सीजन में इन्होंने टोटल 5 मैच खेले, पहला मैच ही हारे थे पंजाब से, दूसरा मैच ही हारे राजस्थान से, फिर तीसरे मैच में दोस्तों इन्होंने सीएसके को हरा दिया, ये वाला मैच हुआ था वाइजैग में विशाखापट्टनम में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केकेआर के हाथों ये हारे, और लास्ट में मुंबई इंडियंस की टीम के अगेंस्ट भी ये हार के आ रहे हैं। तो इस टाइम पे मतलब दिल्ली कैपिटल्स की जो हालत है वो तो काफी ज्यादा खराब है, और मतलब डेफिनेटली यार ये जीत की कोशिश करेंगे इस वाले मैच में, लेकिन जीतने के चांसेस सही बात बताऊं तो थोड़े कम ही रहने वाले हैं, क्योंकि एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। हेड टू हेड में भी अगर आप देखोगे तो लखनऊ की टीम काफी आगे चल रही है। आज तक जो 3 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में हुए ना आईपीएल में, तीनों के तीनों मैच जो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीते हैं। आईपीएल 2023 में दोस्तों 1 मैच हुआ था, आईपीएल 2022 में 2 मैच हुए थे, और तीनों के तीनों मैच लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीती है। डेफिनेटली आज वाले मैच में भी लखनऊ सुपर जायंट्स के जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि यार इन दोनों टीम्स के बीच में 3 मैच हो चुके हैं ना, अब उन तीनों मैच के टॉप परफॉर्मर्स कौन है, कौन कौन से प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस किया, वो मैं आपको बता देता हूं तुरंत से, ताकि आपको पता लगे कि जब जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना होता है तो कौन से ऐसे प्लेयर है जो कंटिन्यूअसली अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ताकि हम उनको अपनी टीम में रख पाए, ठीक है। जैसे कि ये वाला मैच था दोस्तों आईपीएल 2022 में खेला गया था, इस मैच में पृथ्वी शॉ ने 61 रनों की शानदार पारी खेली थी, ऋषभ पंत ने 39 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी, रवि बिश्नोई ने दोस्तों 2 विकेट लिए थे, डीकॉक ने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी, है ना। इन चारों ने अच्छी पारी खेली थी इस वाले मैच में, है ना। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो मैच था ये भी आईपीएल 2022 में खेला गया था, इसमें केएल राहुल ने 77 रनों की पारी खेली थी, दीपक हुड्डा ने 52 रनों की पारी खेली थी, मिच मार्श दोस्तों जो कि अभी इंजर्ड है इन्होंने भी 37 रनों की पारी खेली थी, ऋषभ पंत ने 44 रनों की पारी खेली थी, अक्षर पटेल ने 42 नॉट आउट की पारी खेली थी, और मोहसिन खान ने दोस्तों 4 विकेट लिए थे, ठीक है। अब यहां पर
ऋषभ पंत को दोस्तों मैं रिपीट इसलिए कर चुका हूं क्योंकि ऋषभ पंत ने दोनों मैच में अच्छी पारी खेली और आईपीएल 2023 में तो आपको पता है कि ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे बाकी है ना। उसके बाद दोस्तों आईपीएल 2023 में एक मैच हुआ था उसमें काइल मेयर्स ने 73 रनों की अच्छी पारी खेली थी लखनऊ सुपर जायंट्स के स्क्वाड में है ना। उसके बाद दोस्तों निकोलस पुरन ने 36 रनों की पारी खेली थी, खलील अहमद ने 2 विकेट लिए थे, डेविड वॉर्नर ने 56 रनों की पारी खेली थी, अक्षर पटेल ने 16 रन ही बनाए थे लेकिन बॉलिंग से एक विकेट भी ले लिया था तो ओवरऑल काफी अच्छे पॉइंट दे दिए थे। रवि बिश्नोई ने दोस्तों 2 विकेट दिए थे, रवि बिश्नोई ने इस मैच में 2 विकेट लिए उसमें 2 विकेट लिए थे, अक्षर पटेल ने इस मैच में अच्छे पॉइंट दिए इसमें भी अच्छे पॉइंट मैंने दोस्तों इस मैच में और इस मैच में अच्छे पॉइंट दिए। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना प्लेयर ये मल्टीपल मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं डेफिनेटली ये तो आपकी टीम के इंपॉर्टेंट पिक होने ही वाले। और ये दोस्तों अपने वीडियो का गिव अवे, इसमें आपको क्या करना होता है आपको बताइए, मतलब कुछ नहीं करना होता जो है फ्री के एकदम 500 रुपए जीत सकते हो, आपको बस वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को पूरा देखना होता है जो कि खैर आप देख रहे हो ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इन 3 सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है और अगर आपके जवाब सही आता है तो आप गिव अवे जीत जाते हो ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी स्क्वाड के बारे में, तो यार वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें एक बार अगर आप स्क्वाड एनालिसिस करो तो एक बार ध्यान से देखो इनके स्क्वाड कितनी स्ट्रॉन्ग है ठीक है। यहां से दोस्तों केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक तो ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद दोस्तों निकोलस पुरन फिनिशिंग का रोल अदा कर रहे हैं, डेविड देवदत्त पर्डिकल दोस्तों अभी थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अगर इनको ये हटाना चाहें तो इनको हटा सकते हैं, ध्यान रखना इनकी जगह किसी और प्लेयर को मौका दिया जा सकता है। बडोनी है दोस्तों एकदम डाउन दी ओर आते हैं, दीपक हुड्डा है दोस्तों अगर ये फिट है अवेलेबल है तो आई थिंक दीपक हुड्डा को खिलाना चाहिए देवदत्त पर्डिकल की जगह, और हो सकता है दीपक हुड्डा देखो फिट और अवेलेबल नहीं हो, इनके ऊपर अभी तक अपने पास कोई भी अपडेट नहीं है ठीक है। उसके अलावा कृणाल पांड्या, काइल मेयर्स है, अगर ये इंजर्ड हो भी जाते हैं ना क्विंटन डिकॉक वगैरह तो इनके पास काइल मेयर्स है जो कि काफी अच्छी स्टार्ट दिला सकते हैं टीम को ओपनर के रूप में है ना। उसके बाद दोस्तों मार्कस टोनिस है, ये वापस फॉर्म में आ चुके हैं, मानकर है इनके पास, युधवीर सिंह चरक है काफी अच्छे बॉलर हैं, यंग बॉलर हैं, कृष्णप्पा गोवत्थम है इनके पास एक काफी अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर है ना। उसके बाद दोस्तों मयंक यादव है, पेस सेंसेशन जिनको वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए इंजर्ड घोषित कर दिया गया है, मोहसिन खान है, बिश्नोई है ना, ठाकुर है, मतलब सारे हैं, मिश्रा जी है, नवीन उलक है, शिवम आवी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर इनके पास भरे पड़े हैं। ओवरसीज प्लेयर में भी अगर अपन देखें तो डेविड विली है इनके पास, शमार जोसेफ वेस्ट इंडीज के सुपर हीरो है ना ये है, और इनके पास दोस्तों न्यूजीलैंड के एक फास्ट बॉलर और अवेलेबल है जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर लिखे हुए नहीं हुए, जिनका नाम है मैट हेनरी, वो भी इनके पास अवेलेबल है, उनको भी अगर ये चाहें तो मौका दे सकते हैं। काफी भरी पूरी इनकी स्क्वाड है लखनऊ सुपर जायंट्स की और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं ना। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं देखो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम न्यूज के बारे में तो उनकी तरफ से क्या न्यूज आ रही है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मोहसिन खान जिन्होंने पिछले कुछ मैच नहीं खेले इंजरी के कारण वो रिकवर हो चुके हैं और आज वाले मैच में आपको कमबैक करते हुए नजर आ सकते हैं, अच्छे खासे चांस है ठीक है। स्पेशली जब मयंक यादव को थोड़ा अनफिट घोषित कर दिया गया ना मयंक यादव को, इनके दोस्तों जो कोच है ना उन्होंने बोला था कि भाई मयंक यादव ये यहाँ पर लिखी हुई है वैसे भी ये बात कि पेन सेंसेशन जो मयंक यादव वो रूल आउट हो चुके हैं कुछ गेम्स के लिए। जस्टिन लांगर ने बोला कि ऐसा कोई खास इंजरी नहीं है, बस उसका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं क्योंकि वो पेस सेंसेशन है, पेसर्स को इंजरी ज्यादा होती है, ये बात आपको भी पता है ना। उसके बाद दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने यहाँ पर लिखी है एक बार के लिए, अगर आप ध्यान दो कि क्विंटन डिकॉक, आयुष बडोनी इन दोनों ने अभी तक जो 4 मैच इस आईपीएल के सीजन में खेले हैं 4 में से 3 बार दोस्तों अपना विकेट दिया है लेफ्ट आर्म पेसर को ठीक है, और देवदत्त पर्डिकल ने भी दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर को 4 में से 2 बार अपना विकेट दिया है। तो ध्यान रखना लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट ये तीनों जो प्लेयर है ना लखनऊ सुपर जायंट्स के वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इस आईपीएल के सीजन में, और सामने वाली टीम में आ जाओ यार लेफ्ट आर्म पेसर कौन है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, खलील अहमद जो कि अभी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना वो इनको परेशान कर सकते हैं आज वाले मैच में ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास अभी तक इनकी तरफ से आई नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से, और वही बात है यार देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है वो मैं आपके साथ हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉसिबल प्लेइंग 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से जो होने वाला है उनके बारे में, तो यार अपने पास क्विंटन डिकॉक का केएल राहुल है जो कि ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, देवदत्त पर्डिकल दोस्तों थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ना, इनको अगर ये हटा के किसी और को खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों निकोलस पुरन है, मार्कस टोनिस है, आयुष बडोनी है ठीक है, कृणाल पांड्या है, रवि बिश्नोई है, मोहसिन खान जो कि आज वाले मैच में रिटर्न करते हुए आपको दिख सकते हैं, नवीन उल हक हैं, यश ठाकुर हैं और एम सिद्धार्थ हैं ठीक है, ये है दोस्तों इनकी लाइनअप और काफी भरी पूरी लाइनअप है। आई डोंट थिंक वैसे तो इनको चेंज करना चाहिए लेकिन देवदत्त पर्डिकल के साथ अगर ये करना चाहे तो कर सकते हैं, वो बंदा थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 12 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो यार वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है क्विंटन डिकॉक का, लेफ्ट हैंड बैटर है, 327 मैच दोस्तों इन्होंने अपने T20 के करियर में खेले हैं जिनमें दोस्तों इन्होंने 9400 के समथिंग रन बनाए, 32 के समथिंग का बैटिंग एवरेज रहता है ठीक है। इस आईपीएल के सीजन में दोस्तों 2 मैच तो 50 मार चुके हैं और 2 मैच जिसमें 10 का स्कोर ही पार नहीं किया, तो हॉट एंड कोल्ड टाइप ही प्लेयर है, या तो अपना विकेट जल्दी दे जाएंगे और या फिर अगर सेट हो गए तो फिर बड़ी पारी खेल ही जाएंगे ठीक है। आप लोगों के लिए दोस्तों स्मॉल लीग टीम के लिए डेफिनेटली एक सेफ पिक हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इन 4 में से 3 बार जो है इन्होंने अपना विकेट दिया किसको, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को, लेफ्ट आर्म पेसर को ठीक है, और सामने एक ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर अवेलेबल हैं जो कि इस सीजन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिनका नाम है खलील अहमद, तो वो उनको परेशान कर सकते हैं ठीक है। उसके अलावा केएल राहुल की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 212 मैच का एक्सपीरियंस है, 7000 प्लस रन है, 42 प्लस का बैटिंग एवरेज है। इस सीजन में दोस्तों पहले मैच में 50 इनकी भी आई थी लेकिन उसके बाद 2 मैच इनके थोड़े से खराब गए थे, जो लास्ट मैच था उसमें भी 33 रनों की पारी आई
लेकिन और बड़ी पारी की डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं यार, वो केएल राहुल है, उनसे अपन उम्मीद तो ज्यादा लगा ही सकते हैं। डेफिनेटली आपकी टीम के एक इंपॉर्टेंट पिक है, विकेट कीपिंग भी आपको करके देंगे ये, ठीक है। उसके अलावा देवदत्त पड्डीकल की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 92 मैच इस बंदे ने खेले अपने करियर में, और इस सीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं देवदत्त पड्डीकल, अभी तक 10 का स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाए, और इसीलिए आई थिंक इनको रिप्लेस किया जा सकता है किसी और प्लेयर से, है ना। उसके अलावा निकोलस पूरन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इनका जो ये सीजन है काफी अच्छा जा रहा है, 4 मैच में से 3 बार ये नॉट आउट रहे हैं, कोई भी बॉलर इनको आउट नहीं कर पाया है, और हर मैच में अच्छे पॉइंट आपको दे रहे हैं, काफी अच्छी पावर हिटिंग निकोलस पूरन कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी टीम के एक मस्ट हैव पिक हो जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्कस टोनिस का नाम अपने पास आ जाता है, राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 257 मैच दोस्तों इन्होंने अपने T20 के करियर में खेले, 5000 प्लस रन है और 123 विकेट भी है ना, 29 प्लस का बैटिंग एवरेज है। इस सीजन में दोस्तों स्टार्टिंग के 2 मैच तो चलो ठीक है सस्ते ही गए, लेकिन उससे अगले मैच में जो है बॉलिंग से 1 विकेट ले दिया था तो काफी अच्छे पॉइंट दे दिए थे, और पिछले मैच में दोस्तों बॉलिंग नहीं मिली लेकिन बैटिंग से 58 रनों की पारी खेल के, ठीक है। मार्कस टोनिस दोस्तों एक ऐसे प्लेयर है जो कि बैटिंग या बॉलिंग कहीं से भी कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बस ऐसा है कि इस सीजन में जो 4 मैच इन्होंने खेले ना, 3 मैच में इनको बॉलिंग दी ही नहीं गई है, इसलिए बॉलिंग से अपन ज्यादा उम्मीद इनसे कर नहीं सकते, है ना, बाकी बैटिंग से कर सकते हैं। पिछले मैच में 50 मार के आ रहे हैं, काफी अच्छी पावर हिटिंग मार्कस टोनिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बडोनी की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, हम अपनी इस मोली की टीम में कंसीडर तक नहीं कर सकते इसको। क्रुणाल पांड्या दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों की टीम के एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना आज वाला जो मैच है वो खेला जाएगा एकाना स्टेडियम में ब्लैक सोइल सर्फेस पर, जिस पर स्पिनर को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो क्रुणाल पांड्या भी आप लोगों को काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। पिछले मैच में दोस्तों 3 विकेट ये चमका के आ रहे हैं, साथ साथ दोस्तों अगर बैटिंग आ जाती है तो बल्ले बल्ले बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस इस सीजन में कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो ये बंदा आपकी टीम के लिए बहुत अच्छा पिक हो जाता है आज वाले मैच में। उसके अलावा दोस्तों रवि बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो ये सीजन उनका उतना कुछ खास जा नहीं रहा, अभी तक 4 मैच में 2 ही विकेट निकाले, तो हो सकता है आज वाले मैच में रवि बिश्नोई के जो सिलेक्शन परसेंट है वो कम रहे, लेकिन यार फिर भी मैं आपको बोलूंगा रवि बिश्नोई को हम अपने स्मॉली की टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है यार, देखो ब्लैक सोइल सरफेस रवि बिश्नोई काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के अगेंस्ट भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, 2 मैच में 2 विकेट निकाले हैं ना, काफी कर सकते हैं एक्चुअली में रवि बिश्नोई। उसके अलावा दोस्तों मोहसिन खान की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट आर्म पेसर इनके पास भी अवेलेबल है, 45 मैच में 61 विकेट है, 6.92 की शानदार इकोनॉमी रेट है, स्टार्टिंग के दोस्तों 2 मैच खेले थे जिनमें 3 विकेट निकाले थे लेकिन उसके बाद इंजरी के कारण खेल नहीं पाए, डेफिनेटली आज वाले मैच में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो मोहसिन खान देखो इनके पास यार कला पता है क्या है कि ये स्टार्टिंग में स्विंग करवा सकते हैं काफी अच्छी, और अगर जरूरत पड़ी टीम को तो इनसे डेथ में भी बॉलिंग करवा सकती है ना, इसलिए मेरे को मोहसिन खान अच्छे लगते हैं कि इनके पास वो 8 है, ये निकाल सकते हैं, काफी अंडररेटेड बॉलर है, ठीक है। उसके अलावा नवीन उल हक की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 171 मैच खेले हैं, 206 विकेट निकाले हैं इस सीजन में दोस्तों, ऑलरेडी 5 विकेट निकाल चुके हैं, आप लोगों की टीम के एक सेफ पिक हो जाते हैं नवीन उल हक, अगर आपको सेफ खेलना हो तो इनको रखते हैं, रिस्क लेना हो मोहसिन खान को उठा लेना, ठीक है। ठाकुर साहब की अगर मैं बात करूं दोस्तों 49 मैच में 74 विकेट है, काफी अच्छे जो प्लेयर है ये, और भाई पिछले ही मैच में 5 विकेट का होल निकाला था, है ना। इनकी दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि हो सकता है थोड़ी सी इकोनॉमी रेट हाई रहे, थोड़ी सी ठुक जाए, लेकिन भाई ये बंदा विकेट निकाल के आपको दे सकता है, ऐसा है थोड़ा सा विकेट टेक का टाइप ऑफ प्लेयर है ना। और लास्ट में दोस्तों अपने पास सिद्धार्थ को ऑप्शन रहता है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 8 मैच में 18 विकेट है दोस्तों T20 फॉर्मेट में, लेकिन पिछला मैच इनका विकेटलेस गया था जबकि पिछले मैच में स्पिनर को सपोर्ट था, है ना, तो ऐसा मान सकता हूं कि भाई उतने अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं अभी, है ना, तो एक बार के लिए फिर भी मैं अपनी स्मॉली की टीम में हो सकता है सिद्धार्थ को न रखूं, लेकिन यार ये बंदा क्वालिटी बॉलर तो है, आप इनका रिकॉर्ड देखो 8 मैच में 18 विकेट थी, तो डेफिनेटली मैं अपनी ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में ट्राई करूंगा, बाकी स्मॉली की टीम में नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे पास स्मॉली की टीम में रखने के लिए और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी अब दोस्तों हम बात करते हैं देखो दिल्ली कैपिटल्स की, तो हमने लखनऊ की तो बात कर ली, दिल्ली कैपिटल्स की दोस्तों जो पूरी स्कोर है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, चाहे से आप ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है, हम डायरेक्ट एक काम करते हैं टीम न्यूज के ऊपर आते हैं, तो कैपिटल्स की जो टीम न्यूज है वो आपके स्क्रीन के सामने, क्या न्यूज अपने पास आ रही है। कैपिटल्स यार इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है ना, बैक टू बैक जो है ये मैच हार के आ रहे हैं, तो अब डेफिनेटली जीतना चाहेंगे लेकिन यार इनकी हालत नहीं है क्योंकि इनके इंजरी कंसर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि इनके दोस्तों एक जो मेन फास्ट बॉलर है मुकेश कुमार वो इंजर्ड हो चुके हैं, है ना, वो अभी रिकवरी मोड में, वो डेफिनेटली अभी आई थिंक 1-2 मैच और लगेंगे इनको रिकवर होने के लिए। उसके अलावा दोस्तों इनके जो मेन एक ऑलराउंडर है मिचेल मार्श वो इंजर्ड हो चुके थे, उन्होंने नहीं खेला है ना पिछला वाला मैच, और अभी देखो इनके ऊपर अपडेट अच्छी है कि फास्ट रिकवरी हो रही है, हो सकता है आज वाले मैच में आपको खेलते हुए दिख जाए लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। उसके अलावा कुलदीप यादव ने पिछले 2-3 मैच नहीं खेले, ये बंदा इंजर्ड होकर बैठा है, इनके जो मेन स्पिनर है कुलदीप यादव वो इंजर्ड होकर बैठे हैं, और आज वाले पिच पे तो डेफिनेटली यार कुलदीप यादव की इनको जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली यार इनके कोच ने बोला कि कुलदीप यादव हो सकता है आज वाले मैच में आपको खेलते हुए दिख जाए, लेकिन कंफर्मेशन उन्होंने भी नहीं दिया, तो कंफर्मेशन में भी आपको नहीं दे सकता, ठीक है, वेट ही करेंगे अपन टॉस होने का। कुलदीप यादव चूंकि अभी रिकवरी स्टेज में, हो सकता है इनको ऐसे जल्दबाजी न करें वापस बुलाने के लिए, वापस खिलाने के लिए, है ना, तो एक बार के लिए मान के नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखना तो उसके बाद अपडेट आएगी अपने पास कुलदीप यादव को लेके, अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और कोई रिपोर्ट दोस्तों अपने पास अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से भी आई नहीं है, और वही बात है यार देखो जब तक टॉस नहीं होता था तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है
वो मैं एज यूजुअल आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर के बारे में, तो यार वो भी आपके स्क्रीन के सामने। यहां पर देखो डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, ऋषभ पंत दोस्तों नंबर 3 पर आपको आते हुए दिख जाएंगे जब तक मिचेल मार्श फिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स है इनके पास, अभिषेक पोरेल है इनके पास, ललित यादव है इनके पास। आप खुद देख सकते हो इनकी बैटिंग ऑर्डर कितनी कमजोर दिख रही है, ललित यादव को इनको टॉप 6 में भेजना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अक्षर पटेल है और यहां पे तो इनकी बैटिंग खत्म भी हो जाती है इंपैक्ट प्लेयर को साथ में रख के, है ना। उसके बाद दोस्तों जय रिचर्डसन है, रसिक सलाम है इनके पास, ईशान शर्मा है, खलील अहमद है, आंद्रिस नोटिया है। बॉलिंग फिर भी ठीक दिख रही है इनकी, स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर दिख रहा है कुलदीप यादव की वजह से। ओवरऑल इनकी जो टीम है वो कमजोर दिख रही है थोड़ी सी लखनऊ सुपर जायंट्स के कंपैरिजन में। बस हाँ, अगर इनके प्लेयर वापस आ जाते हैं तो फिर एक जो है मुकाबला हो सकता है अच्छा वाला, अदरवाइज तो फिर ऐसा है कि एक तरफा ही जा सकता है आज वाला मैच, है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इन्हीं 11-12 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया मतलब डेफिनेटली यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार आपके भाई का ही वीडियो है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना, ठीक है। इस वीडियो पर दोस्तों हमने लाइक टारगेट कितने रखा है, 5000 लाइक का, तो यार वो आपको मेरे भाई कंप्लीट करना ही करना है ना। जिसने भी लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर देना। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इन प्लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहले अपने पास नाम आता है डेविड वॉर्नर का, 370 मैच का दोस्तों एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं इस आईपीएल में आने से पहले, 370 मैच खेल चुके हैं अपने टी20 के करियर में, जिनमें दोस्तों 12000 प्लस रन है इनके पास, 37 प्लस का बैटिंग एवरेज है इनके पास। इस सीजन में दोस्तों ऐसा है कि कुछ मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की है, 52 रनों की पारी, 49 रनों की पारी, है ना। इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, पिछले दो मैच में दोस्तों स्टार्ट मिल रही है, बस बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो डेविड वॉर्नर है, ध्यान रखना वो बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनके ऊपर भरोसा जताना जाया जाए, ठीक है। उसके अलावा पृथ्वी शो की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यार इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, 101 मैच दोस्तों इन्होंने खेले अपने टी20 के करियर में, 2500 प्लस रन, 25 प्लस का बैटिंग एवरेज है ना। इन्होंने दोस्तों जो 3 मैच अभी तक इस सीजन में खेले हैं, स्टार्टिंग के 2 मैच में तो खिलाया नहीं गया था इनको, इनकी जगह मौका दिया जा रहा था रिकी भुई को, है ना, लेकिन उसके बाद जो है रेगुलरली वो मैच हारे तो उनको बुलाया गया, फिर 43 रनों की पारी खेली, एक मैच में फ्लॉप भी हुए लेकिन वापस पिछले मैच में 50 मार चुके हैं। काफी अच्छे ताबड़तोड़ प्लेयर है पृथ्वी शो, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत आ जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक सेफ पिक होने वाले हैं, 179 मैच दोस्तों अपने टी20 के करियर में खेल चुके हैं। इन्होंने दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस की थी, मैंने आपको दिखाया था अभी टॉप परफॉर्मेंस के टाइम पे, और उसके अलावा दोस्तों 2 बैक टू बैक 15 की आ चुके हैं, पिछले मैच में जरूर फ्लॉप हो गए थे लेकिन अच्छी पारी खेल सकते हैं ऋषभ पंत, ये हम सब जानते हैं, एंड डेफिनेटली आपके एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिस्टन स्टब्स दोस्तों जिस तरीके की ये पावर हिटिंग कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा आप अपनी ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग की टीम में इनको ट्राई कर ही लेना, क्योंकि पावर हिटिंग बहुत अच्छी करी है। मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में ट्राई करने का इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि यार पावर हिटिंग इन्होंने की थी, ये पिछले वाले मैच में 71 नॉट आउट की, ये वाला मैच कहां था, वांकड़े स्टेडियम में, वांकड़े स्टेडियम में जो है वो रेड सोइल पिच है ना, आज वाला मैच कहां है, एकाना स्टेडियम है, ये ब्लैक सोइल पिच है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा और हो सकता है उतनी अच्छी पावर हिटिंग ना कर पाए। बाकी हाँ, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी पावर हिटिंग करके आ रहे हैं, 71 नॉट आउट की, 54 रनों की, 44 नॉट आउट की, है ना, काफी सही फॉर्म में चल रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स इस टाइम पे, डेफिनेटली आप अपने अगर ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करो तो मैं नहीं रोकूंगा, इवन आप अगर स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करो तो मैं तो रोकने वाला कौन ही होता हूं, है ना। बाकी उसके अलावा अभिषेक पोरेल की अगर मैं बात करूं तो भाई लेफ्ट हैंड बैटर है, 14 मैच इन्होंने खेले हैं, 294 रन बनाए हैं, 24 का बैटिंग एवरेज है। इस सीजन में दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कभी डाउन दी ऑर्डर भेज देते हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं, एक बार के लिए हम अपनी स्मॉल लीग टीम में इनके साथ रिस्क नहीं लेंगे। ललित यादव दोस्तों 81 मैच इन्होंने खेले, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, सामने जो लेफ्टी है ना लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के उनको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। बाकी पिछले मैच में दोस्तों खिलाया गया था, कोई खास परफॉर्मेंस इनसे आई नहीं थी, ठीक है। अक्षर पटेल दोस्तों इस बंदे को डेफिनेटली मैं अपनी टीम में रखूंगा, अक्षर पटेल दोस्तों आप लोगों की टीम के लिए मैं तो बोलूंगा सीवीसी के भी अच्छे चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे, उससे पहले दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, 7+1, 15+1, है ना, 21 रनों की पारी, मतलब उतनी देखो कन्विंसिंग पारी भी अभी तक अक्षर पटेल से आई नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूरे 4 ओवर आज वाले मैच में एक्सपेक्ट करूंगा, प्लस इनकी बैटिंग भी आ सकती है, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप लोगों के लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन आप सीवीसी के लिए भी अगर इनको कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी टीम में तो रखना ही रखना है, ठीक है। उसके अलावा जय रिचर्डसन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, 92 मैच इन्होंने खेले हैं दोस्तों अपने टी20 के करियर में, पिछले मैच में खिलाया गया था इनको आईपीएल में भी, लेकिन विकेट नहीं ले पाए थे, है ना, थोड़ा सा वही बात है इंडियन कंडीशन में आने में फिर थोड़ा सा सेटल होने में हर एक प्लेयर को टाइम लगता है, इसको भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास सलाम का ऑप्शन आ जाता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, पिछले मैच में खिलाया नहीं गया था, उससे पहले 2 मैच इनको खिलाए गए थे, एक भी मैच में विकेट नहीं ले पाए थे, एक बार के लिए हम अपनी स्मॉल टीम में नहीं रखेंगे, अब यार इंजरी कंसर्न चल रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में तो क्या ही कर सकते हैं, खिलाना पड़ेगा इनको, है ना। उसके अलावा ईशांत शर्मा की दोस्तों अगर मैं बात करूं, इनकी जगह सुमित कुमार को भी मौका दिया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। ईशांत शर्मा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस तो कूट कूट के भराई है, लेकिन इस सीजन में दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो हॉट एंड कोल्ड आ रही
है ना, दो मैच इनके विकेटलेस भी गए हैं, दो मैच में टोटल 3 विकेट भी निकाले हैं, एक मैच खेले भी नहीं था इंजरी के कारण, थोड़ी सी हॉट एंड कोल्ड ही परफॉर्मेंस आ रही है। एक बार के लिए दोस्तों देखो, अगर मेरे को किसी फास्ट बॉलर को रखना ही होगा ना दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से, तो आई थिंक मैं खलील अहमद या अनरिच नोटिया को रखूंगा, या फिर दोनों को भी रख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। खलील अहमद के पास तो वो लेफ्ट आर्म एंगल मौजूद है जो कि परेशान कर सकता है सामने वाले बैट्समैन को, किस किस को परेशान कर चुका है कर सकता है वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। 96 मैच में 124 विकेट है, अभी तक एक भी मैच इस सीजन में इनका ऐसा गया नहीं है जिसमें इन्होंने विकेट नहीं लिया हो। काफी अच्छे बॉलर है खलील अहमद। और अनरिच नोटिया दोस्तों पिछले दो मैच से जो है विकेट निकालना स्टार्ट कर चुके हैं, 5 विकेट निकाल चुके हैं पिछले दो मैच में। जो लास्ट मैच था ना यार जिसमें 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, उसमें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी रहे थे, काफी ज्यादा इनकी ठुकाई भी हुई थी, लेकिन वही बात है यार, देखो विकेट निकाल लिए थे, पॉइंट आपको दे दिए थे, और आपकी टीम के लिए डेफिनेटली एक सेफ पिक हो जाते हैं। अनरिच नोटिया के पास एक्सपीरियंस है, वो इंडिया में बहुत खेल चुके हैं, एंड डेफिनेटली आपकी टीम के एक सेफ पिक हो जाते हैं अनरिच नोटिया, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे उन सब के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, यार जब जब इन दोनों टीम का आमना सामना होता है तो कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो एक पर्टिकुलर बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और कितना स्ट्रगल करता है, यहां से आपको पता लगेगा कि कौन से प्लेयर को आप अपनी टीम में रख सकते हो, कौन से को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, किन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन प्लेयर बैटल्स से मिलने वाली है, ठीक है। तो एक बार के लिए अपना पूरा ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों क्विंटन डिकॉक के दो प्लेयर बैटल अपने सामने आ जाते हैं। एक तो दोस्तों अनरिच नोटिया के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते हैं, 43 बॉल में अनरिच नोटिया को इन्होंने T20 क्रिकेट में 67 रन जरूर मारे हैं, लेकिन 3 बार अपना विकेट अनरिच नोटिया को दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तो अनरिच नोटिया इनको परेशान कर सकते हैं क्योंकि डीको को ओपनिंग करेंगे और डेफिनेटली नोटिया पावर प्ले में बॉलिंग करके इनको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर कुलदीप यादव आज वाले मैच में खेलते हैं तो इनके अगेंस्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है, 14 बॉल में 2 बार अपना विकेट कुलदीप यादव को जो है क्विंटन डीकॉक दे चुके हैं। एंड एक और प्लेयर है दोस्तों जो कि यहां पर मेंशनड नहीं है, लेकिन खलील अहमद भी इनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि खलील अहमद के पास क्या है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वो, लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट क्विंटन डीकॉक ऑलरेडी इस सीजन में 4 में से 3 बार अपना विकेट दे चुके हैं ना, तो वो भी इनको परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों निकोलस पुरन के दो प्लेयर बैटल आ जाते हैं खलील अहमद के अगेंस्ट दोस्तों, 35 बॉल में इन्होंने 67 रन जरूर मारे हैं, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं, लेकिन 2 बार अपना विकेट भी दिया है। और कुलदीप यादव अगर खेल लेते हैं दोस्तों तो 56 बॉल में इनके अगेंस्ट इन्होंने ओनली 52 रन मारे हैं, 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट आ जाती है, और 1-2 बार नहीं 4 बार अपना विकेट कुलदीप यादव को दे चुके हैं निकोलस पुरन। तो कुलदीप यादव के अगेंस्ट कौन स्ट्रगल है, और आज वाले मैच में अगर कुलदीप यादव खेलते हैं ना 100% अपनी टीम में उठाएंगे अपन, है ना। उसके बाद दोस्तों केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो अक्षर पटेल के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करते हैं, 34 बॉल में ओनली 22 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। और खलील अहमद के अगेंस्ट भी दोस्तों स्ट्रगल करते हैं, 28 बॉल में ओनली 27 रन बनाए हैं, 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट आ जाती है, और भाई 1 बार अपना विकेट ये खलील अहमद को भी दे चुके हैं, तो ये दोनों जो है इनको परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मार्कस स्टोनिस के दो प्लेयर बैटल आ जाते हैं, जय रिचर्डसन के अगेंस्ट 33 बॉल में ओनली 29 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, क्योंकि दोनों साथ में बहुत खेल चुके हैं यार, जय रिचर्डसन और मार्कस स्टोनिस बीपीएल वगैरह में, है ना। उसके अलावा दोस्तों मार्कस स्टोनिस अक्षर पटेल के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं और हद से ज्यादा करते हैं, 33 बॉल में ओनली 17 रन बनाए हैं, लगभग 50 की स्ट्राइक रेट आ चुकी है और 2 बार अपना विकेट मार्कस स्टोनिस अक्षर पटेल को दे चुके हैं। तो ध्यान रखना मार्कस स्टोनिस पिछले मैच में 50 जरूर मार के आ रहे हैं, लेकिन आज वाले मैच में आपको स्ट्रगल करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देवदत्त पडिक्कल है, ये बंदा तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों ईशांत शर्मा के अगेंस्ट 16 बॉल में 16 रन बनाते हुए 2 बार अपना विकेट दिया है और अनरिच नोटिया को 11 बॉल में 17 रन बनाते हुए 3 बार अपना विकेट दिया है, ओनली 11 बॉल में ये बंदा 3 बार अपना विकेट दे चुका है अनरिच नोटिया को, तो आप खुद सोचो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहा है ना इस सीजन में, मैंने आपको बताया तो खलील अहमद के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर सकता है, और वही बात है यार। उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं तो भाई कृणाल पांड्या के अगेंस्ट 38 बॉल में 70 रन जरूर बनाए, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट, लेकिन भाई 3 बार अपना विकेट भी दे चुके हैं उन्हें, और आज वाले मैच में डेफिनेटली क्रुणाल हेवीर हो सकते हैं क्योंकि आज वाले मैच में स्पिनर को सपोर्ट मिल सकता है। एंड लास्ट में दोस्तों वार्नर और बिश्नोई का है कि बिश्नोई के अगेंस्ट डेविड वार्नर ने जो 16 बॉल T20 क्रिकेट में खेली है उनमें ओनली 11 रन बनाए हैं और 1-2 बार नहीं 3 बार अपना विकेट T20 क्रिकेट में बिश्नोई को डेविड वार्नर दे सकते हैं, दे चुके हैं एक्चुअली, और आज वाले मैच में भी दे सकते हैं ना। अब दोस्तों एक बार के लिए पूरे इन प्लेयर बैटल्स पे नजर मारो, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको हर कोई अपनी टीम में रखने वाला है लेकिन आज वाले मैच में वो स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, जैसे कि क्विंटन डीकॉक हो गए, ये स्ट्रगल कर सकते हैं, इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। निकोलस पुरन को तो मत लेना, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, बाकी कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तब फिर हम निकोलस पुरन को एक आधी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा केएल राहुल दोस्तों स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा, है ना, तो इनको हम अपनी ग्रैंड लीग की एक आधी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे। मार्कस स्टोनिस स्ट्रगल करते हैं, बॉलिंग करवा नहीं रहे हैं, बैटिंग से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख जाएंगे, तो डेफिनेटली इनको भी हम अपनी ग्रैंड लीग की एक आधी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। देवदत्त पडिक्कल को तो वैसे ही नहीं उठा रहे, ऋषभ पंत देख लो ना कृणाल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन पंत को उठा लेंगे क्योंकि यार वो विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे ना, है ना। एंड लास्ट में दोस्तों वार्नर ये एक मेन हो जाते हैं, इनको हम ड्रॉप करने का ग्रैंड लीग में कुछ टीम से रिस्क लेंगे, ठीक है। तो यहां पर
ये आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट जब ग्रैंडली की टीम बनाऊंगा तो इन प्लेयर बैटल्स को अपने दिमाग में रखना, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस कर चुके हैं, है ना। अब इस वीडियो में दोस्तों देखने के लिए सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है इस मैच की टीम। जैसा कि यार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको इस मैच से रिलेटेड एक टीम बना के दिखाऊंगा, तो वही प्रॉमिस दोस्तों मैं अपना पूरा कर लेता हूं। मैं आ जाता हूं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको अपने साइड में दिख पा रही होगी, ठीक है। मैंने अपना दोस्तों फोकस 11 एप्लीकेशन ओपन कर लिया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं फोकस 11 पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं। बाकी दोस्तों सेम टीम अगर आप किसी और एप्लीकेशन पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको फोकस 11 इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि यार देखो आप भाइयों, आपका भी फायदा हो जाएगा फोकस 11 पे। दोस्तों आप खुद देखो ना कितने अच्छे अच्छे फीचर है। ये ग्रैंड लीग चल रही है ओनली 33 रुपए में, 50,000 रुपए प्राइस पूल की ग्रैंड लीग है और ओनली 1,800 लोगों की ग्रैंड लीग है ना, लो कॉम्पिटिशन ग्रैंड लीग से बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये काफी अच्छी प्रीमियम लीग इनकी चल रही है और ये तो मैं बोलता हूं कि आप अगर अच्छा खेलने दो तीन टीम बना रहे हो ना इस लीग को तो ज्वाइन कर ही लेना, एक ना एक टीम आपके ऊपर आ जाएगी। और जो भाई अगर इन्वेस्ट नहीं करते उनके लिए भी है, फ्री गिव अवे चलता है हर एक मैच में 10,000 रुपए का मिनिमम, जिनमें आप फ्री में पार्टिसिपेट करके अच्छा पैसा जीत सकते हो, क्योंकि यहां पर वापस बोल रहा हूं कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। एंट्री फीस वगैरह दोस्तों अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से यहां पर कंपेयर करना चाहो तो बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा फोकस 11 अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ना तो इसको डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। इसकी डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहां पर दोस्तों डिपॉजिट कर लेना आज वाले मैच के लिए, डिपॉजिट करने पे आपका कोई भी जीएसटी वगैरह भी यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। एक कोड दूंगा मैं, कंपनी का कोड है बोनस, नीचे लिखा हुआ है रेफर कोड, वो लगा देना, उसकी वजह से आपको जीएसटी वगैरह यहां पर नहीं मिलेगा। यहां पर आपको जो है एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफर भी मिलेंगे, प्लस आपको जो है एक्स्ट्रा गिवअवेज वगैरह भी मिलेंगे। फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 100% तक कैशबैक बोनस भी मिलेगा, है ना, तो काफी ज्यादा फायदे हैं। यहाँ पर दोस्तों 6 प्लेयर फैंटेसी अवेलेबल है यार, 5+1, ये जो बीच में आप देख पा रहे हो ना ये 6 प्लेयर फैंटेसी, ये और किसी भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूसिवली ऑन फोकस 11 है, जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है ना। तो इसलिए मैं आपको देखो एक बार वापस बोलूंगा, अगर आपने अभी तक फोकस 11 डाउनलोड नहीं किया तो भाई डाउनलोड कर लेना, आप ही का फायदा है। इसकी डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और डिपॉजिट कर लेना, है ना, जितना भी आप करना चाहो आज वाले मैच के लिए रेडी रहना। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपनी टीम के बारे में, तो मैं आपको इस मैच की एक टीम भी बना के अभी तुरंत ही इस एप्लीकेशन पे दिखा देता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको टीम बना के दिखाऊं उससे पहले यार मैं आप लोगों को एक बार वापस बोलना चाहूंगा कि देखो यार ये अपनी जो भी टीम बनेगी, जो भी अपन बनाएंगे इस वीडियो में, वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, चेंजेस और अपडेट होंगे उसमें टॉस के बाद, और जो भी चेंजेस अपडेट होंगे वो आप लोगों के साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आप देख ही पा रहे हो फिलहाल में 1,81,000 1,81,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों गिव अवे विनर्स को जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उनका भी प्रूफ में डाला है, टीम वगैरह अपडेट वगैरह सारी जाती रहती है, गिव अवे वगैरह सारे जाते रहते हैं। ये देखो मेरी पर्सनल विनिंग के स्क्रीनशॉट है, ये कल फोकस ले उनके, है ना, बहुत अच्छी विनिंग की थी, आपको सब यहाँ पर टेलीग्राम पे दिख जाएंगे। अगर आपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं किया है ना तो ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम और अपडेट आपको वही मिलेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ठीक है। उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपनी टीम के बारे में, तो देखो यार विकेट कीपर सेक्शन से अपने पास केएल राहुल, निकलेस पूरन, ऋषभ पंत, क्विंटन डिको के 4 ऑप्शन है, और आई थिंक मैं चारों को ही अपनी टीम में उठाने की सोच रहा हूं वैसे तो, है ना, क्योंकि देखो चारों ही प्लेयर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो चारों को उठा लेते हैं, है ना। बाकी ग्रैंड लीग की टीम में, मिनी ग्रैंड लीग की टीम में कौन से प्लेयर को आप ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो, कौन से प्लेयर को नहीं ले सकते, वो सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरी एनालिसिस के थ्रू आउट, है ना, वो आपको पता ही होगा। बाकी दोस्तों अपनी स्मॉल लीग की टीम में तो मैं इन चारों को ही अपनी टीम में उठा रहा हूं। फिर आते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में डेविड वॉर्नर को उठा रहा हूं, पृथ्वी शो को मैं एक बार के लिए सोच रहा हूँ, रेंदो ट्रिस्टन स्टब्स को भी एक बार के लिए मैं रन देने की सोच रहा हूँ, बाकी देखते हैं इनके बारे में हम और बात करेंगे। पहले आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, क्योंकि आज वाले मैच में मेरे को ऑलराउंडर्स की ज्यादा जरूरत है जो कि स्पिन बॉलिंग कर सकें, प्लस आप लोगों को जो है बैटिंग करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले इनाम आ जाता है अक्षर पटेल का, जिनको डेफिनेटली मैं अपनी टीम में उठाऊंगा। मार्कस टोनिस के बारे में भी हम डिसीजन लेंगे बाद में, पहले उठा लेंगे हम कृणाल पांड्या को, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दोस्तों सेफ खेलना हो डेफिनेटली आप मार्कस टोनिस को उठाओ, आप डेफिनेटली जो है यहाँ से आके पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टब्स को उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार के लिए मैं थोड़ा सा, है ना, अलग टीम बना रहा हूँ, थोड़ी सी उस तरीके की टीम बना रहा हूँ पिच के अकॉर्डिंग, है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, अगर कुलदीप यादव खेलते हैं मस्ट है वो जाते हैं अपनी टीम के, उठा ही लेना। बाकी उसके अलावा दोस्तों मैं रवि बिश्नोई को उठा रहा हूँ, ये सीजन इनका अभी तक कुछ खास नहीं जा रहा है। अगर आपको सेफ खेलना हो डेफिनेटली आप रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर सकते हो, इनकी जगह कोई और बैट्समैन या ऑलराउंडर उठा लो, कोई नहीं रोक रहा। मार्कस टोनिस को उठा लो, वो सेफ पिक है इनकी जगह, है ना। लेकिन एक बार के लिए मैं इनको उठा रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों फिर नीचे से मैं क्या करूंगा कि वो लेफ्ट का, हाँ, खलील अहमद, इनको मैंने अपनी टीम में उठा लिया। मयंक यादव वगैरह खेलने के चांसेस कम है, जय रिचर्डसन को अपनी टीम में उठाऊंगा नहीं। मोहसिन खान दोस्तों इनको उठाने का मेरा मन तो है, लेकिन एक बार के लिए चलो रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस टीम में काफी ज्यादा रिस्क ले लिए हैं। सिद्धार्थ को दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में हम ट्राई कर ही लेंगे। एक बॉलर मैं सोच रहा हूँ और उठा लूँ, आनरिच नोटिया को उठा लेता हूँ ना,
ठाकुर साहब ने पिछले मैच में अच्छे विकेट निकाले थे और नवीन उलग सेफ पे चॉइस हो जाते हैं एक बार के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आंद्रे सिनोटिया को उठा लूँ क्योंकि पिछले दो मैच में 5 विकेट ले चुका है, विकेट ले सकता है चाहे इकोनॉमी रेट हाई हो चाहे नए हो, है ना, विकेट ये बंदा निकाल सकता है, तो इसको मैंने अपनी टीम में उठा लिया। ठीक है, 10 प्लेयर दोस्तों मैं ऑलरेडी अपनी टीम में उठा चुका हूँ, लास्ट जो 11वां प्लेयर है वो डेफिनेटली आप एक बॉलर की तरफ ही जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नवीन उल हक की तरफ जाओ, ईशांत शर्मा की तरफ जाओ, क्योंकि एक या दो विकेट भी इन्होंने निकाल लिया ना तो फिर बैट्समैन से तो ज्यादा ही पॉइंट दे दिए, है ना, 2 विकेट का मतलब हो गया सीधे सीधे 50 पॉइंट जो कि बैट्समैन से तो ज्यादा ही पॉइंट हो जाते हैं, तो आप अगर बॉलर की साइड जाना चाहो जा सकते हो। ऑलराउंडर में आप लोगों के पास मार्कस टोनीस का ऑप्शन है जो कि कभी भी कर सकता है, देखो बॉलिंग 4 में से 3 मैच में इन्होंने नहीं किया लेकिन कर सकता है, और बैटिंग में पिछले मैच में 50 मार के आ रहे हैं वैसे तो अगर आप इनको उठाना चाहो उठा सकते हो, लेकिन अगर देखो रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको कौन परेशान कर सकता है वो मैं आपको प्लेयर बैटल के टाइम बता चुका हूँ, बैटिंग सेक्शन में दोस्तों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना। एक बार के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मार्कस टोनीस का ही सोच रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या पता देखो इनको बॉलिंग दे दे, है ना, क्योंकि मिल सकती है ज्यादा भी नहीं तो एक आधा ओवर भी अगर मिल गया, मान लो विकेट निकाल दिया, बैटिंग से थोड़े बहुत पॉइंट दे दिए तो बहुत अच्छे पॉइंट हो जाते हैं इनके, है ना, इसलिए एक बार के लिए मार्कस टोनीस का सोच रहा हूँ। बस अगर अपने पास ये कंफर्म आ जाती है कि बॉलिंग नहीं करेगा तो फिर अपन इनको बेझिझक अपनी टीम से ड्रॉप करेंगे, किसी और को उठाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और बाकी अगर कुलदीप यादव वगैरह खेलते हैं तो फिर वो तो अपनी टीम के पिक होने ही वाले हैं ना, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के लिए अपनी जो टीम है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहने वाली है, इसमें दोस्तों जो भी चेंजेस होंगे जो भी अपडेट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ तो उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की नहीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपनी जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, अगर आपने यार अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, वो 5000 लाइक का टारगेट आपको पूरा करना है, दिल जो है मेरा नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए दोस्तों सेफ चॉइसेज में तो देखो केएल राहुल आ जाते हैं, है ना, क्विंटन डीकॉक आ जाते हैं, डेविड वॉर्नर आ जाते हैं, लेकिन अगर हल्के से रिस्क की अगर आप देखना चाहो देन अक्षर पटेल, कृणाल पांड्या ये सब आ जाते हैं क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो यार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे कोई अपडेट होंगे क्योंकि वो फाइनल पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी चेंजेस और अपडेट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ तो उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। फोकस 11 दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है, सही बात बता रहा हूँ, फोकस 11 के डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।